कमर्शियल बैंक के बारे में तो बात कर ली, बट आपको क्या पता है कि कमर्शियल बैंक अगर रन हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सर बेसिकली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होता क्या है, क्या आप ये बता सकते हो? तो आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले सेंट्रल बैंक की मीनिंग के बारे में एंड थिंग्स की फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक काम क्या क्या करता है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एंड चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, बट बने रहेगा सेशन के एंड तक बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये वाला सेशन, बिकॉज इससे इस सेशन से या इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। सो दिस इज मेहताब आलम योर कॉमर्स एजुकेटर एंड बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस की। गॉट इट? तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। तो भैया ऑल दौरा कमर्शियल बैंक जब हमारे माइंड में आता है तो बहुत सारे बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में चल रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक, बीओआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड देर आर सो मेनी बैंक्स विच इज टू बी कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक। बट क्या आपको पता है कि सारे कमर्शियल बैंक का एक बैंक होता है? सर क्या बात करो, ये सच में बोल रहे हो क्या? बिल्कुल सही बताओ, मैं नहीं मानता। तो यस बच्चों, इन सारे बैंक्स का एक बैंक होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक, एंड इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक ही है, एंड ऑब्वियस हर जगह एक ही होता है, बट यहाँ पे जो एक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। सो अब आपको पता चल गया होगा कि यस सर हमने सुना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में बिल्कुल बिल्कुल बहुत डिटेल में हमने सुना हुआ है। तो क्या बात है, अगर आपने सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे आपके स्कूल्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, बट उन टीचर्स का भी एक ऊपर सुपीरियर बॉडी होती है आपके स्कूल में एंड वो होता है प्रिंसिपल, इज इट? तो आप लोग, हाँ सर वो प्रिंसिपल है, सारे टीचर्स को मैनेज कर रहा है, सारे टीचर्स को रेगुलेट कर रहा है एंड सारे टीचर्स को फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंस बट ठीक है वहां पर रिलेटेबल है, बट यहाँ पे आपको समझता है कि जो हमारा सपोज करो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, फॉर फाइनेंस, फॉर जितनी भी चीजें, यानी कि कंट्रोल to all the commercial banks, that we can say that कि सारे commercial bank को manage करना, सारे commercial bank को finance करना and सारे commercial bank को regulate करना, ये सब कुछ काम किसका होता है भाई? हमारे central bank का होता है जिसको बोला जाता है bankers bank, and और भी चीजें जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, superior bank या apex bank। तो बोला कि in the banking system the central bank is recognized as the highest financial institution। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा बैंक, बेसिकली वी कैन से दैट इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इट इज टू बी नोन एज आरबीआई, बेसिकली, इज इट? चलो भाई, तो हमने ना सीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम, कंट्री की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज आरबीआई, ओके? एंड ये पूरा गवर्नमेंट बैंक होता है, बैंकर्स बैंक होता है, एंड द थिंग इज कि पूरा फाइनेंशियल मॉनिटरी सिस्टम जो है पूरा का पूरा रन किया जाता है थ्रू द सेंट्रल बैंक, इज इट? चलिए भाई और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो द सेंट्रल बैंक इज इंडिपेंडेंट एंड अथॉरिटी इज चार्ज ऑफ सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज मॉनिटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़नी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए बच्चा? तो अथॉरिटी उनके पास है, सारे बैंक्स की अथॉरिटी इनके पास है, पूरे एंटायर कंट्री की मॉनिटरी सिस्टम की जो पूरा अथॉरिटी है वो इनके पास है, सुपरवाइजिंग सुपरवाइज करना, रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग दी कंट्रीज मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर, कंट्री की मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह से स्टेबलाइज करना, पूरी तरह से मैनेज करना, पूरी तरह से कंट्रोल करना, पूरी तरह से रेगुलेट करना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक, which is to be known as RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Got it बच्चा? Easy था समझना। Now let's move forward towards the function of central bank। एक central bank जो ना कौन कौन से काम करता होगा, तो ये बहुत important है, यहां से question examination में काफी आता है। तो mainly कुछ pointers में बताता हूँ and फिर we are going to discuss about so many things in a detailed manner कि भैया अगर ये काम होता है तो कैसे होता होगा। तो पहला टास्क यहाँ पर है बैंक ऑफ इशू। तो आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो करेंसी इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास, जिसके लिए आरबीआई को क्या बोला जाता है, ये सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? तो भाई बोला जाता है बैंक ऑफ इशू, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा बैंक जिसके पास करेंसी इशू करने की अथॉरिटी है। भाई मैं कर सकता हूं क्या घर पे? नहीं सर। आप कर सकते हो क्या घर पे करेंसी इशू? नहीं सर, पकड़े जाएंगे तो बहुत 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 बेकार, बहुत गलत होगा हमारे साथ अगर हम पकड़े गए, तो इसीलिए कभी भी हम नोट नहीं बना सकते। बट द थिंग इज की ऑथोरिटी किसके पास है, लीगली ऑथोरिटी किसके पास है? तो आरबीआई के पास है कि वो करेंसी इशू कर सकते हैं इंडिया के अंदर, इज इट? चलो भाई बढ़िया, आगे बात करते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है? तो जो अगर हम बात करें कि जनरली अगर हम पब्लिक की बात करें
तो पब्लिक किसके पास जाता है बच्चा, कमर्शियल बैंक के पास, इज इट? कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो पब्लिक के लिए तो ये बैंकिंग सिस्टम दिख रहा है, बट द थिंग इज कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सारे बैंक की दो सॉरी सारी गवर्नमेंट की चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके जो ट्रांजेक्शन है, इनके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो कौन करता है भाई, डायरेक्टली आरबीआई। ये किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ डील नहीं करते। तो पूरा गवर्नमेंट की जो फंडिंग्स है, गवर्नमेंट जो पैसा अलॉट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स को पैसा एलोकेट कर रहा है तो बेसिकली थ्रू द आरबीआई ही एलोकेट कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ की कोई कमर्शियल बैंक का। बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, सिर्फ फर्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बैंकर्स का बैंक क्यों बोला गया आरबीआई को, जस्ट बिकॉज आप सबको पता है कि द सेंट्रल बैंक इज ओनली रिस्पॉन्सिबल बॉडी टू मैनेज टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट ऑल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल द कमर्शियल बैंक, इज इट? सो यस, इट इज ऑल्सो बी नोन एज द बैंकर्स बैंक, और वी कैन से दैट ये भाई सुपरवाइजर बॉडी या रेगुलेटेड बॉडी। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि क्यों सेंट्रल बैंक को, क्यों आरबीआई को रेगुलेटेड बॉडी माना गया है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इस फंक्शन के थ्रू, इज इट? देन कंट्रोलर क्रेडिट, भाई इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आरबीआई। कैसे कंट्रोल करता है डिटेल में सीखेंगे इसी सेशन में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं बच्चा लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है और किसी भी कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए है ना, जस्ट बिकॉज कि उनके पास डिमांड्स है एंड उस टाइम पे वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए एंड वो फंड्स कहां से रेज कर सकते हैं, तो लास्ट में लास्टली एक कमर्शियल बैंक हमेशा आरबीआई के पास आता है, जो आरबीआई फंड्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड अगर एज पर द नीड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक, कि उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अगर जेन्युइन है तो आरबीआई स्टडी करेगा एंड आरबीआई उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। देन बच्चा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इंडिया में बल्क में फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी रखने की जो अथॉरिटी है वो किसको मिली है? क्या मुझे मिली, क्या आपको मिली, क्या किसी और को मिली? ना भाई ना, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जो अथॉरिटी है वो है आरबीआई के पास, यानी बेसिकली वी कैन से दैट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, बेसिकली वी हैव इन सिक्स डिफरेंट फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक, एंड वो छह फंक्शंस कौन से हैं? तो पहला आपने बोला बैंक ऑफ इश्यू बोला जाता है सेंट्रल बैंक को, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज ओनली बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग द करेंसी इन द कंट्री, इज इट? फर्स्ट। सेकेंड बच्चा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की सारे ट्रांजेक्शन वेदर इट इज योर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे ट्रांजेक्शन थ्रू द किसके होंगे भाई, तो थ्रू हम बोल सकते हैं बेसिकली वी कैन से दैट कि भाई थ्रू आरबीआई होगा यानी कि सेंट्रल बैंक होगा। थर्ड बैंकर्स बैंक और वी कैन से दिस सुपरवाइजर बैंक, इज इट? तो क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, सारे कमर्शियल बैंक को फाइनेंस कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, सारे कमर्शियल बैंक को आप बोल सकते हो अथॉरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, या सपोज कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आपने बोला सर बेसिकली आरबीआई। अगर कोई बैंक गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन ले रहा है, आरबीआई ले रहा है ना, सुपरविजन जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो यस वी कैन से दैट कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा एग्जिस्ट करना चाहिए यानी मनी सप्लाई क्रेडिट, ये बेसिकली किस कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल बाय द आरबीआई। एंड हमने अगर कमर्शियल बैंक पढ़ा है तो हमें पता है कि कमर्शियल बैंक एक टर्म यूज किया जाता है भाई, कमर्शियल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन मनी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट किसको बोला जाता है, कमर्शियल बैंक को, बट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट किसको बोला जाता है बच्चा, तो आरबीआई को बोला जाता है, इज इट? तो ये दोनों टर्म्स लगते सेम है बट दोनों डिफरेंट है, इज इट? तो इस चीज क्लियर रखिएगा। लेंडर प्रोसेस आउट हमने डिस्कस किया और हमने बोला कि जब कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड है तो लास्ट में वो अपने जो बोलते हैं ना कि हमारी रेगुलेटेड बॉडी उनके पास जा सकता है, एंड कमर्शियल बैंक का रेगुलेटेड बॉडी कौन है भाई, तो आरबीआई है, उनके पास जाके वहां से इजिली फंड रेज कर सकता है, एंड द थिंग इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्या है भाई, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से काम हमारा आरबीआई करता है, तो हमने बोला आरबीआई इज अ बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इज इट? यानी अगर हम यहाँ पे बोले तो आरबीआई एज एन एजेंट वर्क करता है फॉर द गवर्नमेंट, एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क करता है फॉर द गवर्नमेंट, एंड एज अ बैंकर वर्क करता है फॉर द गवर्नमेंट, एंड वॉट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट और वेदर इट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट? तो चलिए भाई, एज अ बैंकर इट कैरीज ऑल द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट के में किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया कोई लीडर है, कोई भाई विधायक जी हैं, कोई सांसद जी हैं, तो उनके अकाउंट की हम बात करें, हम उनके अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन या स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं,
तो ये ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रन किए जाते हैं बच्चा, आरबीआई के थ्रू रन किए जाते हैं. आगे बात की जाएगी, गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स कैश बैलेंस इन करेंट अकाउंट विद आरबीआई. तो गवर्नमेंट का भी जो पैसा अवेलेबल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एमपी गवर्नमेंट के पास सपोज मान लेते हैं 5,000 करोड़ रुपए, तो क्या एमपी गवर्नमेंट के किसी लीडर के पास, किसी पॉलिटिकल पर्सन के पास 5,000 करोड़ होंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर. जो एमपी गवर्नमेंट का एक सेपरेट अकाउंट होगा विच इज टू बी नोन एज करंट अकाउंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई अपने पास कुछ करंट अकाउंट के ऑप्शंस देता है गवर्नमेंट को, और उस सर्टेन करंट अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट अवेलेबल होगा विच इज टू बी बिलोंगिंग टुवर्ड्स द एमपी गवर्नमेंट. सो वी कैन से दैट कि यस सर, वो अमाउंट जो है वो कौन रख रहा है, वो रख रहा है भैया हमारा आरबीआई. इज इट आरबीआई एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड कैरीज अदर बैंकर्स ऑपरेशंस फॉर द गवर्नमेंट, इज इट? तो जैसे आरबीआई को, मतलब लाइक सपोज इंडिया को, अगर नेपाल में सपोज करो अर्थक्वेक आ गया और इंडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं रेमिटेंस प्रोवाइड कर रहा है नेपाल को, कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहता है नेपाल को, तो भाई कंट्री टू कंट्री जब ट्रांजेक्शन होता है तो कंट्री टू कंट्री यानी कि भाई कंट्री, हमारी कंट्री के जो आरबीआई है वहां से पेमेंट रिलीज होगा और नेपाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जेट तो सिंपल है, गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन है वो आरबीआई के थ्रू रन किए जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कि भाई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. ओके आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बच्चा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का बोला गया. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व तो लाइन से हम पढ़ते जाते हैं एंड डिस्कस करते जाते हैं. तो आपने बोला सर कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक. तो आप समझ जाइए सबसे पहले कि भाई जो हमारा आरबीआई है, हमारा आरबीआई है वो रिस्ट्रिक्शन डालता है किसको? तो वो रिस्ट्रिक्शन डालता है कमर्शियल बैंक को कि जितनी भी कमर्शियल बैंक है हमारी पूरी कंट्री के अंदर, सबके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि उनको कुछ रिजर्व के फॉर्म में कुछ अमाउंट जब वो आरबीआई के पास रखना होता है एंड कुछ रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करके रखना होता है. इट तो जिसको बोला जाता है बच्चा कैश रिजर्व, यानी बेसिकली तो हर एक, जैसे मान लो मेरी एक ब्रांच है एंड मैंने एक प्राइवेट ब्रांच ओपन की है एचडीएफसी, तो मेरे पे लिमिट है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आएगा उसका 10% आपको क्या करना है, आपको रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो बनाना है. इट आपको रिजर्व रेट बनाना है, ठीक है? अब वो रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं बच्चा? तो आप बोलोगे रिजर्व विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. एंड वो रिजर्व्स कौन से हैं भाई, जस्ट अ मिनट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. एंड वो रिजर्व्स कितने तरह के हैं? तो हमने बोला सर दो तरह के रिजर्व्स हैं कि जो आपके रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. एक होता है बच्चा, अच्छा उस रिजर्व को हम बोलते हैं बेसिकली एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर बोलते हैं. एंड एलआरआर का मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, इज इट? तो आप इस चीज को समझिएगा, लीगल रिजर्व रेशियो का इज फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक. एलआरआर कितना बनना चाहिए कौन फिक्स करता है भाई? सेंट्रल बैंक फिक्स करता है. एंड इट्स द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट एज कैश बाय द बैंक. और ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये कौन किसको पूरा करना होता है? तो आप बोलोगे सर बेसिकली दिस इज टू बी इंप्लीमेंटेड ऑल द कमर्शियल बैंक, क्लियर है? तो भाई आपके जो आरबीआई है, आरबीआई ने एक सर्टेन पीरियड ऑफ सर्टेन पीरियड सर्टेन रेट मेंशन कर दिया कि 10% का आपको कैश रिजर्व रेशियो बनाना है और वो अपने पास रखना है, कुछ पैसा अपने पास और कुछ पैसा. यानी अगर आपसे बोला, जैसे हमारे पास एक बैंक में, जैसे मैंने बोला एक बैंक है मेरा, मतलब एक ब्रांच है और एचडीएफसी है, तो मान लेते हैं एचडीएफसी में टोटल पैसा आया 1,00,000 रुपए और हमें एक रिस्ट्रिक्शन दी थी सेंट्रल बैंक ने कि आपको 10% का रिजर्व बनाना है, कौन सा? एलआरआर. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें 10,000 रुपए का रिजर्व बनाकर रखना है. तो आपको ये समझ में बच्चा एलआरआर में दो चीजें होती हैं, एलआरआर दो चीजों से मिलकर बनके बनता है, सीआरआर और प्लस एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर. यानी हो सकता है कि 6% सीआरआर हो और एसएलआर हो 4%, तो 6,000 रुपए सीआरआर के नाम से अलग हो गए और 4,000 रुपए एसएलआर के नाम से अलग हो गए. अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि सर सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंसेस क्या है, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन है, इतना सा डिफरेंसेस है कि सेंट्रल बैंक बोल रहा था कि टोटल 10% का लीगल रिजर्व रेशियो बना लो, उसका कुछ पोर्शन आप अपने पास रख लो एंड कुछ पोर्शन आप हमें हमारे पास रख लो, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास. तो इट इज अ पार्ट ऑफ एलआरआर विच इज टू बी कैप्ट विद द सेंट्रल बैंक. जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. यानी एलआरआर 10,000 का बना और मान लो सीआरआर 6% था, जैसे हमने बोला कि LRR is equal to CRR plus SLR. तो जैसे ये 10% है तो ये 6% एंड 4% मिलके बना है. तो बेसिकली अगर 10% था 10,000 रुपए, तो इसका हमने 6,000 रुपए CRR के नाम से अलग किया और 4,000 रुपए SLR के नाम से अलग किया. अब ये 6,000 रुपए हमें किसके पास रखने हैं? तो हमें रिजर्व का 6,000 रुपए सिंपल सी बात है सेंट्रल बैंक को देना है. तो जो अमाउंट
रिजर्व का जो अमाउंट हमें अपने सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है उस अमाउंट को बोला जाता है सीआरआर, इज इट। जो अमाउंट हमें रिजर्व का किसके साथ रखना है भाई, हमारे पास रखना है, यानी कि सर एसएलआर इज अ पार्ट ऑफ एलआरआर व्हिच इज टू बी केप्ट विद द बैंक, जो पैसा अपने पास ही रखना है उसको बोला जाता है बच्चा एसएलआर, इज इट। तो ये वाला डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है एंड इसमें कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फर्दर हम लोग यहाँ पर फंक्शंस पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए एंड यहां तक चीजें क्लियर है भाई। तो सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इसका मतलब क्या, व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर किसी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत थी एंड उसको अब सारी जगह से नहीं मिल रहा पैसा, यानी डिपॉजिट्स वगैरह खत्म हो गए और उनको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इमरजेंसी फंड कहां से ले सकते हैं, आरबीआई के पास ले सकते हैं। आरबीआई मना नहीं करेगा, हमारी कमर्शियल बैंक जो भी आरबीआई क्योंकि रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई के अंडर में ही सारे बैंक आते हैं, सारे कमर्शियल बैंक। तो अगर किसी कमर्शियल बैंक को थोड़े टाइम के लिए या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कुछ फंड चाहिए तो लास्ट में लास्टली का सेंट्रल बैंक फंड रिलीज कर देता है। तो इसीलिए इस फंक्शन को बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सम अनदर फंक्शन विच इज टू बी नोन एज कि सर लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इफ एनी कमर्शियल बैंक फील या नीड्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, बेसिकली नीड्स अ मनी है ना, बेसिकली कुछ अमाउंट चाहिए उनको, तो वो मनी या वो अमाउंट जो है वो रिलीज कर देगा। कौन रिलीज कर देगा भाई, सेंट्रल बैंक एट द लास्ट मोमेंट, अगर वो सब जगह से फेल हो जाता है, इज इट। लास्ट अगर हम एक और फंक्शन पढ़े तो हमारा था क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ऑल दो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है कि बेसिकली सर जितनी भी कमर्शियल बैंक की क्लेम्स वगैरह, यानी ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक, देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल द क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट बाय डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन द अकाउंट। तो जितनी भी लाइक फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड ऑल जो भी खरीदे बेचे जाते हैं क्लेम्स वगैरह है, वो सारे फंक्शन जो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, यानी कि जो कमर्शियल बैंक के सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं आरबीआई के अंदर। जैसे मेरा अकाउंट कहाँ है भाई, तो किसी कमर्शियल बैंक में। आपका अकाउंट कहाँ है, किसी कमर्शियल बैंक में। आपके पेरेंट्स का अकाउंट कहाँ है, तो भाई किसी कमर्शियल बैंक के अंदर। वैसे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है कि सारे कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है और उनके अकाउंट्स उनके क्लेम्स वगैरह जो है वो सेटल करते जाता है एज पर द नीड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। वो सब कुछ होता रहता है बाय मेकिंग एंड डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अकाउंट, इज इट। एक अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज करके वो सारी चीजें सेटल करते जाता है। सो आपने यहां तक का पूरा थॉट डिटेल में समझा एंड बात समझी क्या सेंट्रल बैंक होता क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो आई होप यहां तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो आएंगे सेंट्रल बैंक से रिलेटेड वो करने के लिए आप रेडी हो। बट द थिंग इज कि आप सबको बताए कि अब यहां से हमने अपनी पढ़ाई जो है आप लोग ने भी मिलकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बेसिकली भी आप बोल सकते हो कि यार आपने स्टार्ट कर दिया होगा। बट कुछ चीजें आप मिस करोगे, आप सोच रहोगे कि सर अभी भी ना वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही, अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ना हमें मार्क्स कम हो जाएंगे। सो बेसिकली बच्चा यहां पर आपको पता है कि सुपर ग्रेड्स का न्यू बैच आने वाला है और आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बट सर उसमें हमारे लिए क्या है, तो बेसिकली जब भी मेहताब सर आते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें तो लेके आते हैं ना। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आपने आपको आप बैच में एनरोल करते हो तो बैच बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है बच्चा नेक्स्ट वीक से एंड उस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस एंड सारी सब्जेक्ट का, सारी डोमेन सब्जेक्ट का, यानी कि फॉर द बोर्ड्स एंड फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन लाइव बैच हम आएंगे एंड बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक पे बात करेंगे विद क्वेश्चंस, हम सब कुछ क्लियर करेंगे ताकि हम अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर लें जैसे आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने स्कोर किया है। तो अभी जो भी बैच में आप अपने आप को एनरोल करोगे एंड सिर्फ आपको जीटी इंग्लिश पढ़ना है या फिर आप लोग को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पर, तो आपको एक कूपन कोड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एंड वो कोड होगा हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बूस्ट कोड, इज इट। तो ये फाइव वर्ड्स का फाइव लेटर्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई BOOST बूस्ट कोड आपको मेंशन करना है आपके पैकेज में। जब आप एनरोल होगे और आप जब बाय कर रहे होगे तो वहां पर जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे वैसे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है बच्चा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फटाफट अपने आपको अभी एनरोल करना है एंड इस कोड का यूज करना है ताकि आप भी इस ऑफर का बेनिफिट ले पाओ और आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को में और एक प्लस पॉइंट, यानी कि बहुत एग्रेसिव आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा पाओ ताकि जो भी गोल आपने डिसाइड किया है वो गोल आप अचीव कर पाओ, इज इट। तो चलिए बच्चा वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन एंड द थिंग इज कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द बोर्ड्स एंड द सीयूटी एग्जामिनेशन।
जो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू आता है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप वहां पे भी कॉल करके टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ये सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। इसी तरह के अपकमिंग सेशन बहुत सारे आते रहेंगे, बट उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं बच्चा अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।